अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सरकार द्वारा की गई संसद की घोर अवमानना का विषय इस सदन में रखना चाहती हूं। अध्यक्ष जी, संसद के मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के बीच में एक प्रकरण ऐसा घटा है जिसमें संसद की घोर अवमानना हुई है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 7 दिसंबर 2011 को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने आपकी अनुमति से इस सदन में एक वक्तव्य दिया था। अभी इससे पहले वो वक्तव्य मैंने यहाँ पढ़कर सुनाया। बात करने के बाद और उन सभी लोगों से बात करने के बाद जिनके हित इस निर्णय से प्रभावित हो रहे थे, आम सहमति बनाने के बाद सरकार ये निर्णय करेगी। तब तक उन्होंने इस निर्णय को नहीं सोचा। मैं प्रणवदा के प्रति धन्यवाद अर्पित करता हूँ जिन्होंने पूरे का पूरा मसला अपने हाथ में लिया और पार्टी में प्रधानमंत्री जी की अनुमति से ये निर्णय हुआ है। मैं उनके प्रति भी देश की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। मगर मुझे दुख से कहना पड़ता है अध्यक्ष, जो वक्तव्य तत्कालीन वित्त मंत्री ने यहाँ रखा और जिसके लिए मैंने समूचे विपक्ष की तरफ से नहीं समूचे देश की तरफ से सरकार के प्रति आभार प्रकट किया, उस आश्वासन की धज्जियाँ उड़ाते हुए यहाँ दिए हुए वक्तव्य की परवाह न करते हुए सरकार ने खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश को 51% की अनुमति देने की घोषणा कर दी। इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहती हूँ। पूरा विपक्ष और ऑल पार्टी मीटिंग के वो नेता आपका संरक्षण चाहते हैं कि सर्वसम्मति बनाना तो दूर, आम सहमति बनाने का प्रयास भी सरकार ने नहीं किया। कोई मीटिंग नहीं बुलाई, कोई बात नहीं की और यह निर्णय हो गया। इसलिए मेरा आपसे गर्वित निवेदन है कि हमें सदन में अपनी बात कहने का मौका दिया जाए और अपनी राय मतदान के माध्यम से प्रकट करने का मौका दिया जाए। रूल 184 के तहत FDI रिटेल पर चर्चा की अनुमति आप हमें प्रदान करें ताकि जो काम सरकार ने नहीं किया वो काम इस सदन के माध्यम से हम बता सकें कि पूरे देश का जनमानस खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश के लिए क्या चाहता है। ये मेरा आपसे अनुरोध है और सारे विपक्ष के लोग ये मांग कर रहे हैं 184 के रूल 184 में FDI पर चर्चा कराइए। ये मेरा आपसे अनुरोध है।